चुनावी जो सफ़र है वो अभी मध्य प्रदेश में चल रहा है, हालांकि चार राज्यों में चल रहा है, लेकिन हम अपने मध्य प्रदेश की बात करेंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर ज़िले से हम लोग अभी ट्रेन में बैठ कर के आए हैं। 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्वालियर से सुमावली तक चलने वाली ट्रेन का शिलान्यास किया था, उद्घाटन किया था, हरी झंडी दिखाई थी। आज हम उस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और देख रहे हैं कि उनके द्वारा चलाई हुई ट्रेन में क्या उपयोगिता सिद्ध हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर। आज हम मौजूद हैं, इस ट्रेन का हम जायज़ा ले रहे हैं। हालांकि ट्रेन को ज़रा दिखाइए, लंबी ट्रेन की लगभग सभी सीटें खाली हुई हैं, खाली पड़ी हुई हैं। और मैं समझता हूं जिस हिसाब से उन्होंने ट्रेन का जो शुभारम्भ किया है उस हिसाब से अभी पैसेंजर नहीं मिल पा रहे हैं। ये हालांकि ये चुनावी प्रोपोगंडा हो सकता है, चुनावी एक एजेंडा हो सकता है कि भाई चुनाव से पहले उन्हें स्टार्ट कर दिया ताकि लोग उन बीजेपी पार्टी के लिए आकर्षित हो सकें। हमारे साथ आज ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ युवा और कुछ वृद्ध लोग हमारे साथ हैं, अंकल जी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। पहले ये युवा हैं, भैया कब से ट्रेन चालू है कुछ जानकारी है? हाँ अभी हुई है। अच्छा हाँ। जाते हो रोज? रोज नहीं जाते, आज पहली बार जा रहे हो। कहाँ जा रहे हैं आप? हम सुमावली जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, क्या कोई गाँव है क्या, घर है वहाँ? हाँ गाँव है अपना, यहाँ इनका सुमावली में गांव है और वहाँ जा रहे हैं। दादा आप कहाँ जा रहे हैं? मैं नेटर सुमावली जाऊँगा। सुमावली जाएंगे? सुमावली के पास। पहली बार बैठ रहे हैं ट्रेन में? पहली बार ही बैठा हूँ। आपको अभी तक सुमावली क्षेत्र के लिए यहाँ से सुविधा नहीं थी, अभी आपके लिए ये सुविधा हुई है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा महसूस कर रहे हैं, ये सरकार का अच्छा कदम है। अच्छा है, भविष्य में ये ट्रेन ग्वालियर से कोटा तक जाएगी, श्योपुर भी जाएगी, सवलबड़ी भी जाएगी, अभी इसका प्रोजेक्ट अधूरा है, तो आगे चल के लिए आपके लिए दूरी जो है वो कम हो जाएगी, पैसे की बचत होगी और सुविधाजनक हो जाएगी। सुविधाजनक हो जाएगी, समय की बचत होगी, पैसे की भी बचत होगी हमारे लिए। दादा बता रहे हैं कि सुविधाजनक होगी और पैसे की बचत होगी और आसानी से लोग वहाँ तक पहुँच सकेंगे। ये हमारे साथ और भी लोग हैं, भैया कहाँ जा रहे हैं आप? सुमावली। अच्छा पहली बार? पहली बार। ये लगभग क्या अधिकतर यहाँ पर जो यात्री हैं वो पहली बार ही जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि अभी 2 अक्टूबर को ही ट्रेन चालू हुई है लेकिन यहाँ पर अभी इसको ट्रेन को पूरे यात्री नहीं मिल पा रहे हैं। ये आप कहाँ जाए? सुमावली। सुमावली, तो सुमावली घर है आपका? जी। तो ये सुविधा इससे पूर्व में नहीं थी, काफ़ी समय से ये ट्रेन चल रही थी, सॉरी काम चल रहा था, तो काम के अंतर्गत में ये अभी उन्होंने सुमावली तक इसको चलाया है नरेंद्र मोदी जी ने। क्या चाहेंगे आप कि आगे ये जो ट्रेन है वो कहाँ तक चले? श्योपुर कोटा तक जाएगी। ये ऑलरेडी प्रोजेक्टेड है, श्योपुर तक कोटा तक तो जाएगी। दादा आप बताइए कहाँ जा रहे हैं? सुमावली जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। इससे पहले बस से जाते थे? पहले बस से जाते थे, अब तो इसमें हमारा दूसरा चक्कर है। अच्छा ट्रेन में दूसरा चक्कर है, तो आपने देखा जब पहली बार आप गए थे तो ट्रेन ऐसे ही खाली थी या भरी हुई थी? पहले तो जो है उद्घाटन के समय तो पूरी गाड़ी फुल आई थी। अच्छा दादा बता रहे हैं कि उद्घाटन के दिन ट्रेन पूरी फुल आई थी, क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था, हाँ इसीलिए ये ट्रेन फुल आई थी। अभी उस दिन के बाद से ये ट्रेन फुल नहीं आ रही है। ये देख आप जरा दिखाइए, ये अभी क्या है, ट्रेन का रखरखाव में दिक्कत है मेरे हिसाब से। ट्रेन पे पूरी पे लगभग सारी सीटों पर धूल जमी हुई है, ऊपर दिखाइए जरा। धूल इसलिए जमी है कि एक तो रखरखाव का मेंटेनेंस स्टाफ नहीं है, दूसरा लोग नहीं आ रहे हैं। लोग नहीं आने के कारण क्या है, मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। आप इन तक जाके, हाँ भाई साहब आप बताइए कहाँ जा रहे हैं आप? सुमावली। पहली बार? दूसरी बार जा रहे हैं। दूसरी, मैं भी पकड़ लेता हूँ, दूसरी बार जा रहे हैं। हाँ। तो घर है आपका वहाँ? हाँ घर है हमारा। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इससे पहले कैसे जाते थे आप? ऐसे ही जाते थे, और कैसे जाते थे, गाड़ियों से, छोटा हाथी, छोटा हाथी, मोटरसाइकिल वगैरह आवंती ही जाते थे। हाँ, तो आज ये सुविधा आपको मध्य प्रदेश में ये ग्वालियर से चलाई गई है, तो प्रधानमंत्री जी का ये कैसा कदम है? ये अच्छा कदम है? अच्छा कदम है भैया, बिल्कुल। अच्छा तो जैसे अभी हमने देखा, आगे आइए जरा, ये ट्रेन तो चालू हो गई है लेकिन मैंने अभी चेक किया तो ट्रेन में अभी पानी नहीं है, हम बाथरूम के गेट तक जाएंगे। आइए जरा आइए, बस ये हमारे सिस्टम में यही कमी है, सिस्टम बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं। ये हम बाथरूम का दरवाज़ा खोलेंगे और मैं अंदर की ओर जा रहा हूँ। ये आइए जरा, आइए आइए,
सूखा पड़ा हुआ है और ये पानी की थोड़ी सी इसमें किल्लत है, क्योंकि मेंटेनेंस स्टाफ नहीं है, इसलिए नहीं मतलब इसमें व्यवस्था है। ये ट्रेन से ये यात्रा आगे तक जो रहेगी वो कोटा तक जाएगी। इस ट्रेन के लिए प्रधानमंत्री ने काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे, प्रोजेक्ट बन रहा था, कई करोड़ का प्रोजेक्ट है। 2 अक्टूबर के दिन 19,000 करोड़ का प्रोजेक्ट चलाया था। हम और भी थोड़ा सा बात करेंगे, लोग बैठे हुए हैं, इनसे बात करेंगे, क्या कहते हैं देखें लोग। आप लोग पहली बार यात्रा कर रहे हैं? हाँ भैया, पहली बार कर रहे हैं। पहली बार कहाँ से आ रहे हैं आप? ग्वालियर से। ग्वालियर से इधर कहाँ जा रहे हैं? सुमावली। सुमावली तो कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। इससे पहले कैसे जाते थे आप? बस से जाते थे। आप भी बस से? बस से। ये सब लोग आप भी जा रहे हैं? आप भी जा रहे हैं। बिल्कुल, ये भी जा रहे हैं, बच्चे हैं लोग, ये मेरे लगता है स्टूडेंट्स हैं। आप लोग स्टूडेंट्स हैं और आप भी जा रहे हैं पहली बार? हाँ, ये भी पहली बार जा रहे हैं, क्योंकि ट्रेन में हमने सोचा था कि बहुत लोग होंगे, बातें करेंगे और बताएंगे कि ट्रेन की सुविधा क्या है और कैसे लोगों को इसका बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन हम समझते हैं कि ट्रेन में ज़्यादा लोग नहीं हैं, अधिकतर सीटें खाली पड़ी हैं। ज़रा दूर तक दिखाइए, ट्रेन का जायजा बताइए ज़रा, थोड़ा सा क्या है कि पूरी जो गैलरी है वो खाली पड़ी हुई है और लोग यहाँ पर उतने ही उपलब्ध हैं। मैं समझता हूँ अधिकतम 50 लोग उपलब्ध होंगे और ट्रेन, क्योंकि ट्रेन की स्थिति बता रही है, ट्रेन में धूल पड़ी हुई है, यदि लोग बैठते तो वहाँ सफाई होती और लोग भी आते। ये प्रधानमंत्री की सौगात है, हालांकि चुनावी एजेंडा भी है, ये चुनावी भी कह सकते हैं, क्योंकि चुनाव अभी नवंबर में लगभग चुनाव संपन्न होने वाला है। और नमस्कार दोस्तों, देखते रहिए इंडिया रिपोर्टर 24, मैं हूँ सुरेंद्र सिंह, जय हिंद। अभी चलो काट दो।